बिहारी काली मिर्च, काली मिर्चूंगा। छी 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 छींक कर सारा सारा वातावरण प्रदूषित कर दिया, अशुद्ध कर दिया। जाओ जाओ, पहले जाकर हाथ मुंह धो के आओ। रसोई घर में शुद्धता बहुत जरूरी है। कभी भी रसोई घर में छींको तो पहले हाथ मुंह धोना अनिवार्य है, समझी? जाओ। बोंदिता, तुम ठीक हो? इतनी बार हाथ धोने से हाथों का रंग नीला पड़ गया है। वैसे छींक रोकने का ना एक बहुत आसान तरीका है मेरे पास, बताऊं? जैसे ही छींक आने वाली हो ना, तो नाक पे ऐसे ऐसे चिकोटी काट लेनी चाहिए, नहीं आती छींक। आपको छींक तो आ नहीं रही, फिर कैसे मालूम पड़ेगा ये तरीका काम करता है कि नहीं? तुम्हें तो आ रही है ना, तुम करके देख लो। बंदता, छोटी हो या बड़ी, हमेशा आप बचा लेते हैं मुझे। रक्षक बाबू हैं आप मेरे, वादा कीजिए हमेशा साथ रहेंगे आप मेरे। तेरे लिए सबसे तुझे बचाया मैंने। ये विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। अगर आप सब नहीं रोकेंगे तो मैं अकेला रोकूंगा। छाया की तरह रह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। ये विधवा नहीं, ये मेरी, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बोलता। दुर्गा माता का आशीर्वाद है, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा।
हाँ बोंदिता, हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। बोंदिता, क्या हुआ सुम? दादा वो सुदामिनी दीदी। क्या हुआ मिनी को? वो सुदामिनी दीदी। क्या हुआ मिनी को सुम, बोलो ना। अरे दादा वो सुदामिनी दीदी कुएं के वहां बेहोश पड़ी है। आप आराम से बैठकर अपनी इंग्लिश टी की चुस्कियां लीजिए बिनॉय अंकल, क्योंकि जल्द ही आपको मेरे धमाके की गूंज सुनाई देगी। इसका मतलब अपना खेल शुरू कर दिया है सुदामिनी। धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। लुच्ची तो बना लोगी ना बहू? बहुत आसान होता है। आटे में पानी डालना है, फिर ऐसे गोल 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 कलाई घुमानी है, आटा गूंज जाएगा। उसके बाद उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख देने हैं गोल। बहुत आसान है, कर लोगी ना? माँ कितनी आसानी से बना लेती थी लूची, पर इतना आसान है नहीं। काका ससुर जी सही कह रहे हैं, सीख लूंगी तो भूख भी लगेगा और खा भी सकती हूँ ना, इसीलिए कोशिश करती हूँ। ठीक है तो तुम बनाओ, हम चलते हैं। पानी नहीं डालते? पूरा नहीं तो थोड़ा पानी डालना है। मैं दिखाती हूँ। जानता था मैं कि कोई ना कोई दुष्ट तो मेरे कार्य में विघ्न डालेगा, इसीलिए यहीं छुपा था मैं। कोयली, अच्छे से जानता हूँ मैं कि तुम चाहती हो हमारी बहू रसोई का काम ना सीखे, ताकि तुम्हारी नौकरी पे कोई खतरा ना आए, है ना? अरे जमींदार हैं हम, घर बैठे बैठे भी हमारी नजरें हमारी जमीनों पे रहती हैं कि कहीं कोई उन पे कब्जा ना कर ले। और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें हमारी बहू को उसके रास्ते से भटकाने देंगे? चलो जाओ यहां से। और तुम बहू, खबरदार जो किसी की मदद ली तो। नहीं लूंगी। आप फिर से चिपकर देखोगे क्या काका ससुर जी? क्यों नहीं, हमारे पास और कोई काम तो है नहीं। हम अपनी जमींदारी छोड़कर, बाकी सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर चौकीदार बन के खड़े हो जाएं। नहीं, मैं तो बस बस और कुछ नहीं सुनना है हमें। मंदिर जाने का समय हो रहा है तो हम जा रहे हैं, पर हमारा चौकीदार रहेगा यहाँ तुम पे नजर रखने के लिए। बिहारी नजर रखना बहू पर, कि बहू इधर उधर ना भागे। हमने सब बता दिया है, बस तुम्हारा काम ये देखना है कि बहू उत्तम लुच्ची बनाए, नहीं तो हम तुम्हें मुर्गा बना देंगे। गलती करे बहुरानी जी, हम मुर्गा बने बेचारा बिहारी।
ये तो एकदम सरासर जुलुम है बड़े मालिक। जो है सो है। सुना बहुरानी जी, अभी क्या कह के गए हैं बड़े मालिक आपकी चौकीदारी करने? भाभी बाबू, आप आदमी नहीं हो क्या? क्या मतलब है आपका कि हम आदमी नहीं है? हम आदमी हैं बहुरानी। आदमी हूँ तो फिर रसोई में कैसे आए? काका ससुर जी ने कहा ना कि आदमी रसोई में नहीं आते, शोभा नहीं देता आदमियों को रसोई में आना, औरत का काम है ये चूल्हा चौका। वो तो कहे तो थे, पर बहुरानी जी हम इस हवेली के नौकर हैं, हम नौकरों पे ये सब नियम कानून लागू नहीं होता है। नौकर को तो हर हाल में मालिक की सेवा करनी होती है, हर आदेश भगवान के आदेश के समान होता है हमारे लिए। पर बहुरानी जी एक बात बताऊं, हम 100% आदमी हैं, सोलहों आने सकती। ठीक कहा ना मैंने भारी बाबू, पर ये तो सच है ना, गोली दीदी की तरह गोल गोल लुच्ची कोई नहीं बना सकता, आप भी नहीं बना सकते। वैसे मैं उनके जैसा बना पाऊंगी क्या बढ़िया लुच्ची? एक बात कहूँ बहुरानी जी, कोयली को लूची बनाना हमने ही तो सिखाया है, पाक कला के हम विशेषज्ञ हैं, पकवान बनाना ही तो हमारी विशेषता है। अच्छा आपने सिखाया? पर माँ कहती है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, तो भारी बाबू इतना पानी ठीक है? डालिए ना, हम बताते हैं ना। इतने से क्या होगा, थोड़ा और डालिए ना। और कितना? अब थोड़ा और, थोड़ा और। अब मिलाइए थोड़ा इसको गोल गोल। अरे हम तो बहुरानी के सामने बस हाँक रहे थे, हमको कहाँ था ये सब, अब तो सब गंडगोल हो गया, क्या करूँ अब। भारी बाबू, इससे तो खाने वाली लूची नहीं पीने वाली लूची बन सकती है। आप तो कह रहे थे खाने के विशेषज्ञ आप। इसे देखेंगे बड़े मालिक तो लूची तो नहीं, हमारा लच्छा जरूर बना देंगे। बन गई लूची। ये क्या है बिहारी? मालिक इससे पहले आप हमें मुर्गा बना दे, हम खुद ही मुर्गा बन गए। तुरंत रसोई में आओ,
क्या है ये? मुर्गा। अरे ये नहीं, ये लूची का आटा। ये ऐसे बनाया जाता है लूची का आटा? बड़े मालिक, हम तो कह रहे थे बहुरानी जी से कि आटे में पानी थोड़ा कम डालिए, थोड़ा संभालिए, पर मालिक आप तो जानते ही हैं कि बहुरानी कितना शरार, मतलब भोली है। अरे बाबू झूठ क्यों बोल रहे हैं? मजाक लग रहा है ये सब? शरारत करनी है क्या? क्या सोच रही हो कि ऐसे काम करोगी तो तुम्हारा खाना बनाने का काम नहीं देंगे हम? बच जाओगी तुम। छोड़ देंगे कुशल गृहिणी बनाना तुम्हें? या अनिरुद्ध ने कहा है तुम्हें ऐसा करने को ताकि तुम पढ़ने लिखने के बारे में सोचो। मैं तो बस काका सुसु जी। बस एक शब्द भी और नहीं। कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें घर के काम की कीमत समझनी होगी। कहाँ रखी तुमने किताब? जी वो किताब, मुझे ना हिचकी आई थी, उसके बाद मैं पानी पीने के लिए रसोई में आई थी, होना तो यही चाहिए। तुम दोनों यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हो? जी माँ, वो कि कुर्ता मेरे कुर्ते का बोतांग कहीं गिर गया है, वही ढूंढ रहे हैं। कुर्ते का बोतांग यहाँ रसोई घर में कैसे गिरेगा? बाहर जाकर देखो, बाहर गिर गया होगा। वो किताब किसी के हाथ लग गई तो तूफान आ जाएगा। अगर ऐसी बुरे चित्र वाली किताब विराजमान ने देख ली तो। अरे वो किताब, तुम रुको। सौरभ बेटा, मैं क्या कह रही थी, तू ना कोशिश करना कि बहू हमेशा खुश रहे। इस समय बहू का खुश रहना बहुत जरूरी है। देख क्या है, अगर बहू हमेशा खुश रहेगी तो बच्चा ना हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा, और अगर बहू नहीं खुश रहेगी तो बच्चा रात भर रोता रहेगा। हाँ हाँ माँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही संपूर्णा का ध्यान रखता हूँ और उसे उपहार भी देता हूँ। सौरभ। अरे ससुर जी, घर में तो झंडे गाड़ दिए, अब थोड़ा बाहर के काम में भी फुर्ती दिखाओ। इन्हीं के पल्लू से ही बंधे रहोगे कि काम पे भी जाओगे? बस बाबा, आप जा ही रहा हूं। मैं आपको छाता दे देती हूँ, आइए दरवाजे पर ही है। ले ली ना किताब? हाँ ले ली। कहाँ है? मैंने तो यही रखी थी, यही फेंक के गई थी मैं। यही रखी थी मतलब पाँव होते क्या किताब के? वो किताब किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा गंडगोल हो जाएगा, आज तूफान आ जाएगा घर पर। बैठे बिठाए मिल जाता है ना सब, इसलिए परिश्रम का मोल नहीं मालूम तुम्हें। अरे मुट्ठी भर आटे के लिए तरसते हैं लोग, पर तुमने इतना आटा ऐसे ही बर्बाद कर दिया। एक कुशल गृहिणी जरूरी चीजों की बचत करती है, उन्हें इस तरह बेकार और बर्बाद नहीं करती। जाने भी दीजिए ना मालिक, बहुरानी जी अभी बच्ची हैं। नहीं बिहारी, बच्ची नहीं है, बहू है ये इस घर की।
छोटी समझ के जाने देंगे क्या हम इसे ऐसे ही? बहू को अन्न को व्यर्थ ना करने का पाठ सिखाना होगा ना हमें। जाओ बिहारी, लेके आओ वो। वो क्या बड़े माली? अरे वो वही। जी मलिक। बहुत गुस्से में है काका ससुर जी, जाने पाठ सिखाने में क्या करवाएंगे मुझसे। हमने जो आटा दिया था तुम्हें वो तो तुमने खराब कर दिया, तो अब लूची बनाने के लिए तुम्हें खुद गेहूं पीसना होगा। अपने हाथों से घुमाओगी चक्की ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या कीमत होती है आटे की, तब समझोगी तुम अन्न का मोल, तब बनोगी तुम कुशल गृहिणी। यारी, क्या चलो घुमाओ चक्की, पीसो आटा। कितना मुश्किल है कुशल गृहिणी बनना, ये चक्की तो मुझसे चल भी नहीं रही, और अब मास्टर जी भी आ जाएंगे पढ़ाने, कैसे होगा ये सब मुझसे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.